हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में। हर लड़की की तलाश है उसके बाल एकदम से जानदार, हेल्दी, शाइनी और स्ट्रेट हो। इसे लगाकर आप पा सकती हैं स्ट्रेट, जानदार एंड शाइनी हेयर विदाउट एनी हार्मफुल स्पा क्रीम। सो चलिए, मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाती हूँ जिससे लगाकर आप अपने बालों को सीधा कर सकते हैं, जानदार बना सकते हैं बिना किसी हार्मफुल पैराबेन के। तो ज़रूर आपको वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए जिससे लगाने का सही तरीका आपको समझा पाऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा केला। बनाना हमारे बालों को सॉफ्ट करने के साथ ही उन्हें स्ट्रेट करने का भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बनाना इस्तेमाल करना है, आपको इजीली मिल जाता है। ये स्पा क्रीम हर किसी के लिए अफोर्डेबल भी है। तो मैंने यहाँ पर एक बनाना के दो पीस किए हैं। सेकंड है हमारा नारियल तेल। करीब मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच या फिर स्मॉल ग्लास आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल का लिया है एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। शाइनिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं तो आप भी इसमें कोकोनट ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। थर्ड है हमारा एक एग। हालांकि एग की स्मेल अच्छी नहीं होती, बट अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करें आप तो आप अपने बालों में इतनी खूबसूरती देख पाएंगी जिससे आपके बालों में जान आएगी, साथ ही आपके बालों को स्ट्रेट करेगा और आपके बालों को जानदार बनाएगा। तो आपको एक वाइट का इस्तेमाल करना है और इसके वाइट पार्ट को अलग कर लीजिए। नाउ एक ग्राइंडर जार में आप डालिए अपने बनाना के दो पीस और इसमें कोकोनट ऑयल डालिए। थर्ड आप इसमें डाल दीजिए अपना एग वाइट और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लीजिए। व्यूअर्स, ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में स्पा क्रीम की तरह आपके पास रेडी है। तो आप इसे अपने हेयर में बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सही तरीका समझ लीजिए। इस तैयार पेस्ट को क्लीन सूखे बालों में ही अप्लाई करना है और बालों को कुछ पार्ट में डिवाइड करके अप्लाई करें जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। हेयर्स को बन बनाकर अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद रूट्स एंड और सभी पूरे हेयर्स में, तो आप इसे बन जुड़ा बनाकर छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर लें। आई एम श्योर गर्ल्स, अगर 1 वीक तक भी आपने इसे यूज़ किया तो काफ़ी आपके बाल में सुधार आएगा, बाल बहुत स्ट्रेट हो जाएंगे। एंड आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगे, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गर्ल्स, टेक केयर, बाय।